इंस्पेक्टर राकेश राणा, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा, चपरासी तरसेमलाल, ड्राइवर तरुण उर्फ जूली आरडीए पंचकुला कार्यालय। इन चारों आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में किया गया पेश, जहां से सभी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। आरडीए सेक्रेटरी हैं प्रतिजीत कौर ने पुलिस को पत्र लिखकर कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि उक्त कर्मचारी वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक कैशियर और अन्य पदों पर तैनात रह चुके हैं। इस मामले में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक जमा राशि की हुई जांच। आरडीए विभाग के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक विभाग के कोषागार के कैश बुक वाउचर और जमा राशि की जांच की गई तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। गाड़ियों का चालान हुआ तो जुर्माना भी लिया गया, उसका वाउचर भी बनाया, कैश बुक में एंट्री भी की गई, लेकिन उन पैसों को आरटीए विभाग के कोष में जमा नहीं करवाया गया। सर, पंचकुला के अंदर हरियाणा आरटीए विभाग का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, क्या जांच चल रही है सर? इसलिए कि हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट के बिहाफ पे हमने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इन्होंने 3-4 लोगों के नाम लिखे थे भी ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे स्कैम में। अप्रॉक्सीमेटली 62 लाख रुपए के आसपास ये सारा स्कैम किया है इन्होंने, तो उसमें अभी हमने 2 आदमी गिरफ्तार किए हैं, उनको पुलिस रिमांड में है। जो पूछताछ की जा रही है वो कैसे गबन करते थे और इसके अंदर कौन कौन और इन्वॉल्व है उसकी जाँच चल रही है। अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार हैं क्या वो आरटीए विभाग से हैं? हाँ जी, वो आरटीए विभाग से हैं। तो इसमें रिकॉर्ड जब्त किया जा रहा है या आगे क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जो बता सकें आप? रिकॉर्ड तो अभी ऐसा है, ऑफिस से हमने लिया है, उससे टैली करके जब हमारे सामने ये चीज़ आई है कि हाँ इन्होंने किया है ये, जब ही हमने उनको गिरफ्तार किया है, उसके बाद अब आगे बैंक से भी रिकॉर्ड लिया गया है और जो इससे संबंधित और कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें चाहिए थे आरटीए विभाग से वो हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आगे जाँच जैसी है वो चल रही है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।